अग्निपथ स्कीम में 1 करोड़ का बीमा, कैंटीन सुविधा और 30 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम में अग्निवीरों की भर्ती के लिए वायुसेना ने डिटेल्स अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। इस जानकारी के अनुसार 4 साल की सेवा के दौरान अग्निवीरों को वायुसेना की ओर से कई सुविधाएँ दी जाएंगी, जो स्थायी वायु सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं के अनुसार ही होगी। एयरफोर्स की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार अग्निवीरों को सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। ये सुविधाएं जो हैं एक रेगुलर सैनिक को मिलती हैं। अग्निवीरों को सेवा काल के दौरान ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा और इसके अलावा उन्हें साल भर में 30 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। उनके लिए मेडिकल लीव की व्यवस्था अलग है। अग्निवीरों को CSD कैंटीन की भी सुविधा दी जाएगी और अगर दुर्भाग्यवश किसी अग्निवीर की सर्विस के दौरान मृत्यु होती है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके तहत उसके परिवार को करीब 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। वायुसेना ने कहा है कि वायुसेना में इनकी भर्ती एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत 4 साल के लिए होगी। वायुसेना में अग्निवीरों का एक अलग रैंक होगा जो मौजूदा रैंक से अलग होगा। अग्निवीरों को अग्निपथ स्कीम से सभी शर्तों को मानना होगा। जिन अग्निवीरों की वायुसेना में नियुक्ति के समय उम्र 18 साल से कम होगी, उन्हें अपने माता पिता या अभिभावक से अपनी नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाना होगा। 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में लिया जाएगा। इन 25% अग्निवीरों की नियुक्ति सेवा काल में उनके सर्विस के परफॉर्मेंस के आधार पर की जाएगी। वहीं वायुसेना के अनुसार अग्निवीर सम्मान और अवार्ड के भी हकदार होंगे। अग्निवीरों को वायुसेना की गाइडलाइंस के अनुसार ऑनर्स और अवार्ड्स दिए जाएंगे। वायुसेना में भर्ती होने के बाद अग्निवीरों को सेना की ज़रूरतों के अनुसार ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अग्निवीरों को 4 साल की सेवा अवधि के दौरान 48 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा उन्हें 44 लाख रुपये की एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा बात की जाए 4 साल की नौकरी में जितनी सेवा बची रहेगी उसकी सैलरी भी अग्निवीर के परिवार को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अग्निवीर के सेवानिधि फंड में जितने पैसे जमा हुए होंगे उसमें से सरकार का योगदान और उस पर ब्याज भी अग्निवीर के परिवार को दिया जाएगा। और वहीं बात करें अगर ड्यूटी के दौरान विकलांग होता है अग्निवीर तो उसे एक्स ग्रेशिया मिलेगा जो कि 44 लाख रुपये का होगा। साथ ही जितनी नौकरी बची होगी उसकी पूरी सैलरी और इसके अलावा सेवा निधि का पैकेज भी मिलेगा। हालांकि विकलांगता की सीमा के अनुसार अग्निवीरों को मिलने वाली राशि कम या ज़्यादा हो सकती है और सेवा खत्म होने पर एक विस्तृत स्किल सर्टिफिकेट अग्निवीरों को दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र में अग्निवीरों का कौशल और उनकी योग्यता का वर्णन होगा। तो ये तमाम बातें हैं जो अग्निपथ स्कीम में अग्निवीरों की भर्ती के लिए वायुसेना ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार।